आज का वीलॉग होगा फ्रेशको के नाम। फ्रेशको की खासियत ये है कि यहाँ पे मिलेगा तुम्हें पॉइंट कार्ड, बनाना काफ़ी सस्ता है जो कि 59 सेंट्स पर पाउंड। याद रखना किस तरह की तुम्हें जेलीपिनो पेपर से मिलेंगी और इस तरह की मोटी वाली भी मिलेगी। हम समझेगा भाई ये तमाम हरी मिर्चें, तो ये तमाम हरी मिर्चें नहीं है दोस्तों। पपाई द सेलर मैन, तो भाई ये है तुम्हारा $2 का, एक तुम्हें पूरी गड्डी मिल जाएगी स्पेनिश। तुम किसी भी आयल में जा रहे हो सब्ज़ी की और फ्रूट की शॉपिंग करने, तो मेक श्योर कि आयल के शुरू में तुम देख लो, वहाँ फीचर प्रोडक्ट्स होती हैं और उसमें तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखो येलो टैग जो है ना, स्पेशल जो फीचर प्रोडक्ट होती है उस पर होता है। अगर तुम फ्रेशको में हो तो तुम देसी घी भी ले सकते हो। बर्गर वाले बंद होते हैं ना, अंडे वाला बर्गर, मेरा अंडे वाला बर्गर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से हो गए। तो आज का वीलॉग होगा फ्रेशको के नाम और फ्रेशको पर हम बात करेंगे 2023 में, ठीक है। अगर तुम देखना चाहते हो कि 2023 में ग्रॉसरी के कितने प्राइजेस हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स पे बात करेंगे और साथ में तुम्हें एक जो है सरप्राइज इंडियन सेक्शन भी दिखाएंगे जिसमें तुम्हें इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं। याद रखना वॉलमार्ट में इस तरह का देसी सेक्शन होता है और फ्रेशको में भी होता है, तो उस पर भी बात करेंगे और साथ में तुम्हें ग्रॉसरी के प्राइजेस बताएंगे 2023 के अंदर। फ्रेशको की खासियत ये है कि यहाँ पर मिलेगा तुम्हें पॉइंट कार्ड जो कि सीम कार्ड होता है और तुम्हें उस पर मिलेगा डिस्काउंट अगर तुम साथ में वो यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन के अंदर, तो तुम्हें पॉइंट्स बिल्डअप होते हैं जो जो तुम ग्रॉसरी करते हो और उस पर तुम्हें मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलता हूँ तुम्हें लेकर फ्रेशको की जानब और स्टार्ट करेंगे ग्रॉसरी सेक्शन पे और फिर बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। चलो मेरे साथ 1 2 3 लेट्स गो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना फ्रूट्स के सेक्शन से। तो इनका ना फ्रूट सेक्शन ये लगा हुआ है और ये सारे खुले में फ्रूट्स हैं, ऊपर जो है ना ये पैकेट्स में है तुम्हारे पास ना, और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो दूसरी जानब भी हैं, उसकी तरफ भी अभी जाएंगे। लेकिन भाई तुम देख सकते हो कि ये सेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है। सो कमिंग बैक टू द प्राइजेस ऑफ द फ्रूट, तुम देख सकते हो कि भाई ये जो आपके पास एप्पल्स हैं वो 199 के हैं जो कि नॉर्मली 299 के तुम्हें पड़ते हैं पर पाउंड, लेकिन ये 199 के दे रहे हैं। इसके अलावा और डिफरेंट काइंड्स के भी हैं जो कि अराउंड 199 और 249 के भी तुम्हें मिल जाएंगे पर पाउंड। पैकेट्स की अगर बात करो तो अराउंड 499 का तुम्हें पैकेट मिल जाएगा, ये ऊपर पैकेट रखे हुए हैं। यहाँ पे प्लम्स और पीचेस मिल जाएंगे जो कि 299 पर पाउंड है। फिर यहाँ पे बात करो तो ये ग्रेप फ्रूट है जो कि है 199 का एक सिंगल, और ऊपर जो है वो तुम्हारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं जो कि तुम्हें पैकेट्स मिल जाएंगे 549 के। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट का पैकेट है वो है 499 का दोस्तों, वो इस तरह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा समझ लो कि मौसमियों का ग्रेप फ्रूट का जो है वो सेक्शन है नॉर्मली। और अगर तुम खुले में ऑरेंजेस लेना चाह रहे हो तो ये 149 के खुले में मिल जाएंगे पर पाउंड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लगे हुए हैं तुम्हारे पेयर्स, और ये पेयर्स का सेक्शन है, पेयर्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे $2 के पर पाउंड, और ये ब्राउन पेयर्स हैं जो कि है 249 के पर पाउंड के ना। कीवी मिल जाएगा दोस्तों 399 का पैकेट, इस तरह का पैकेट तुम्हें मिल जाएगा 399 का कीवी का। सिमिलरली जो पाइनएप्पल है दोस्तों वो 399 का एक तुम्हें मिल जाएगा, और जो आपका खरबूजा है हनी मेलन, हनी ड्यू मेलन, ये है 599 का एक, और वाटर मेलन जो है वो है तकरीबन 499 का। ये तकरीबन है सिमिलर प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट। बनाना काफ़ी सस्ता है जो कि है 59 सेंट्स पर पाउंड। इस तरह के तमाम बनानास लगे हैं, तुम जो है वो थैली में लेके भर सकते हो। और इसी तरह जो है तुम्हारे पास एवोकाडो है, एवोकाडो जो है वो 499 का पूरा पैकेट है। नॉर्मली मैं पैकेट में बाय करना पसंद करता हूँ क्योंकि सिंगल एवोकाडो नॉर्मली महंगा पड़ता है। और पपाया जो है वो 599 का एक पपाया है, ये सारे पपायास लगे हुए हैं। मैंगोस अगेन जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में तुम लोगों को बताया हुआ है कि ये इंडियन पाकिस्तानी मैंगोज़ नहीं है, ये तो है तुम लोगों को मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ पीरू है जो कि 129 का सिंगल, 129 ईच है। और ये लेने का नहीं भाई क्योंकि ये जो है ना वो खट्टे खटमिट्टे होते हैं, मज़ेदार मैंगोज नहीं होते, तो डोंट टेक इट। नाउ बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट जो है तुम्हें मिल जाएगा 249 का ईच, यहाँ कोकोनट लगे हुए हैं। पीछे मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं एवोकाडो जो है वो सिंगल में नहीं लेता, उसकी वजह ये कि दोस्तों ये 149 का ईच है, ठीक है ना। और मैं तुम्हें पीछे दिखाया था कि 499 का तुम्हें पूरा पैकेट मिल जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है ऐसा सिंगल एवोकाडो लेने का। अब बात करते हैं सब्जियों के सेक्शन की। सब्जियों के सेक्शन में जो है ना वो तुम्हें ये रेफ्रिजरेशन सेक्शन में लेकर आया हूँ, और इस जानब जो है वो कुछ लगी हैं खुले में, अभी तुम्हें थोड़ी देर में उस जानब लेके जाते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के सेक्शन की, स्टार्टिंग में द शिमला मिर्च जो कि है 299 की पर पाउंड, और ऊपर जो है कुछ हरी मिर्चें लगी हैं दोस्तों। और हरी मिर्चों के तुम्हें जो है कुछ साइज़ दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली हरी मिर्चें जो है ना वो हमारे लेकर आता सब्ज़ी वाला, तो ये तकरीबन 449 की पर पाउंड मिल जाएगी, इस तरह की हम ले लेते हैं। फिर एक तुम्हें जेलापिनो पेपर्स भी दिखाते हैं, ये भी मैं कुछ एक दो दफ़ा लेकर चला गया था, फिर हमें घर वालों से डांट पड़ी कि भाई ये वो चीज़ नहीं है। तो याद रखना किस तरह की तुम्हें जेलापिनो पेपर्स भी मिलेंगी और इस तरह की मोटी वाली भी मिलेंगी। हम समझेगा भाई ये तमाम हरी मिर्चें, तो ये तमाम हरी मिर्चें नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखना। जो मैंने तुम्हें दिखाई वो वाली हरी मिर्चें जो कि 449 की पर पाउंड। स्कॉश मिल जाएगा 249 पर पाउंड का। जो बैगन है 179 की, वो उस तरह की लगी हुई है, इतनी हालत इतनी अच्छी नहीं है उसकी। फिर बात करो गैबेज की, गैबेज जो है वो 299 का सिंगल गैबेज में मिल जाएगा। आई थिंक ये फूल गोभी होती है शायद, अगर मैं इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट इन उर्दू।
पपाई द सेलर मैन। तो भाई ये है तुम्हारा $2 का, एक तुम्हें पूरी गड्डी मिल जाएगी स्पेनिश की, अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ तो उस तरह की गड्डी है जो कि तुम लेके जा सकते हो $2 की सिर्फ। आलू की बात करो तो आलू जो है तुम्हें 649 का तुम्हें इस तरह का पैक मिल जाएगा जो कि 4.5 किलो का। दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, क्योंकि मैंने नो फ्रिल में देखा था वो तकरीबन $5 के तुम्हें मिल जाएंगे 599 के, ये तकरीबन समझ लो कि 50 सेंट्स जो है थोड़ा महंगा है। प्याज की बात करो तो ये तकरीबन 299 का तुम्हें एक पैकेट मिल जाएगा जो कि होगा 1.3 का किलो का, इस तरह का पैकेट है ठीक है। तो तुम अगर छोटी फैमिली तुम लेके जा सकते हो, छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट तकरीबन 4.5 किलो का होगा और वो उसकी कीमत अराउंड $6 होगी। फिर ये वाइट प्याज भी लगी है, अगर तुम इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हो 199 पर पाउंड मिल जाएगी। फिर खुले में प्याज देख लो, ये रेड प्याज 199 पर पाउंड है ठीक है, और फिर इसी तरह खुले में वाइट प्याज जो है वो 199 पर पाउंड है। शकरकंदी दोस्तों लगी है 149 पर पाउंड की, इस तरह की शकरकंदी है ठीक है। और खुले के आलू, खुले में आलू जो है तुम्हें 149 पर पाउंड मिल जाएगा। तुम किसी भी आयल में जा रहे हो सब्ज़ी की और फ्रूट की शॉप शॉपिंग करने, तो मेक श्योर कि आयल के शुरू में तुम देख लो वहाँ फीचर प्रोडक्ट्स होती हैं और उसमें तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैरेट्स लगी हैं, देखो दोस्तों ये पूरा पैक बंच है कैरेट का, ये तुम्हें से $3 का मिलेगा। और अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखा सकूं, तो तुम देखो कि तकरीबन 50 सेंट्स का इस पर ऑफ है। और सीन पॉइंट्स जो है जो कि मैं तुम्हें इंट्रो में बताया कि सीन कार्ड्स होता है, तो सीन कार्ड पे तुम्हें उसके पॉइंट्स भी जो है तुम ऐड अप कर सकते हो अगर तुम इस तरह का बंच बाय करो। जिंजर रूट मिल जाएगी दोस्तों तुम लोगों को 299 पर पाउंड की, और यहाँ पे लगी है गार्लिक जो कि 129 पर पैक, इस तरह का पैक तुम्हें मिल जाएगा। आगे बात करो टमाटो की, तो टमाटो तुम्हें मिल जाएंगे $2 पर पाउंड, इस तरह के टमाटो लगे हुए हैं तकरीबन। ये आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ रोमा होगी, इसीलिए तुम्हें इंडियन पाकिस्तानी टाइप टमाटो लग रहे हैं। क्यूकम्बर का पैक लेना चाह रहे हो 399 का पर पैक तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसके अलावा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मेक्सिको लगे हुए ये वाले टमाटर ना, इस तरह के 299 पर पाउंड तुम्हें मिल जाएंगे। देख रहे हो ये थोड़े डिफरेंट टमाटोज है। नाश्ते के आइटम में बात करो तो तुम देख रहे हो कि ब्रेड सेक्शन है, और ये ब्रेड सेक्शन काफ़ी जो है वो बड़ा सेक्शन है। बहुत से जो है तुम्हें वैरायटीज़ ऑफ ब्रेड मिल जाएगी ब्राउन और वाइट दोनों कैटेगरीज के अंदर। अगर तुम बात करो सबसे सस्ती ब्रेड की, तो ये लगी है 229 की कॉम्प्लीमेंट, इसका जो ब्रांड है ये स्पेशल ब्रांड है, फ्रेशको के अंदर बिकता है ये तुम्हें 229 का मिल जाएगा। रेगुलर ब्रांड जैसे डैमस्टर है, वंडर है, वो भी तुम्हें मिल सकती है। डैमस्टर की अगर ब्रेड की बात करो तो अराउंड 369 की एक ब्रेड तुम्हें मिल जाएगी, इस तरह की वाइट कलर की ब्रेड। ब्राउन ब्रेड की भी 200 सिमिलर प्राइसेस है, डैमस्टर की तो मिल जाएगी 369 की कॉम्प्लीमेंट की बोलोगे तो 229 की मिल जाएगी। फिर अगर तुम बेगल या बन वाला इस्तेमाल करते हो तो ये उसका सेक्शन है दोस्तों, और मैं तुम्हें येलो टैग पर बता देता हूँ। देखो येलो टैग जो है ना स्पेशल जो फीचर प्रोडक्ट होती है उस पर होता है, और तुम्हें बता देगा कि भाई इस अगर ये प्रोडक्ट लगोगे तो 59 सेंट्स का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा इन बेगल्स के ऊपर ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हें टैग पढ़ना भी सिखा दूँ। तो इस तरह के सारे बेगल्स यहाँ लगे हुए हैं, और बन जो है जो हॉट डॉग बंद होते हैं या गोल वाले बर्गर के बंद होते हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर तुम प्राइस के ऊपर बात करो तो तकरीबन 459 का इस तरह का तुम्हें क्लासिक बन का पैकेट मिल जाएगा, बर्गर वाले बंद होते हैं ना अंडे वाला बर्गर, मेरा अंडे वाला बर्गर, ये अंडे वाले बर्गर का बंद मिल जाएगा तुम्हें। सेक्शन में दोस्तों तुम लोगों को मिल जाएंगे अंडे और दूध ठीक है। और अंडे और दूध की बात करो तो इस तरह के भाई मैं तुम्हें कहूँगा कि जो बड़े पैकेट्स हैं ना वो ले लो 30 अंडों का, तकरीबन तुम्हें पड़ेगा अराउंड $8 or $9 का, अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ। देख रहे हो अगर तुम बड़ी फैमिली हो तो तुम ये लेके जा सकते हो, क्योंकि अंडे नॉर्मली ख़राब नहीं होते। और अगर तुम 10, 12 या 18 वाले अंडे देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी प्राइस जो है तकरीबन 629 है। अगर तुम 18 अंडे की बात करो, 12 अंडे तुम्हें मिलेंगे 369 के, और तो तकरीबन जो 30 अंडे दोस्तों मिलेंगे 949 के। सिमिलरली अगर तुम दूध की बात करो तो दूध का पैकेट यहाँ लगा हुआ है ठीक है, ये 4 लीटर का दूध का पैकेट होता है, नॉर्मली 3 इसके अंदर थैलियाँ होंगी, और इसकी जो प्राइस होगी ना वो होगी 549 ईच। हमें तुम लोगों को ले आया हूँ इंडियन फूड के सेक्शन के अंदर। तो मसालों की बात करो तो मसाले तुम्हारे यहाँ पे लगे हुए सारे ठीक है, ये शान के मसाले हैं जो कि है डब्बा पैक ठीक है। और अगर तुम खुले मसाले लेना चाह रहे हो विद नो ब्रांड, तो ये खुले मसाले यहाँ पे मिल रहे हैं, इनकी कीमत है दोस्तों $1 से लेके तकरीबन $5। फॉर एग्जांपल अगर तुम चिली पाउडर की बात करो तो 349 का इस तरह का चिली पाउडर का पैकेट मिल जाएगा। जो साबुत चिली पाउडर होता है ना, जो साबुत चिलीज़ होती हैं वो यहाँ लगी हुई हैं, वो है तकरीबन 249 का। इसी तरह कोरिएंडर होल जो सबसे सस्ता मैंने देखा है वो है 150 का। तो कहने का मकसद है समवेयर अराउंड $1 से लेके $5, $6 तक तुम्हें तमाम मसालों के पैकेट मिल सकते हैं। सिमिलरली दालों की बात करो तो नीचे दालें लगी हुई हैं ठीक है। रेड लेंटल्स तुम्हें मिल जाएगी स्पेशल प्राइस में जो कि है 499 का, अगेन वो येलो टैग लगा हुआ है। इसी तरह चना दाल है लगी 699 की ठीक है। और इस तरह की ये वाली जो दाल है मूंग दाल, वो तकरीबन तुम्हें मिल जाएगी 899 की, और यह है 4 पाउंड्स की पैक। सिमिलरली अगर आटे की बात करो तो आटा और बेसन यहाँ लगा हुआ है ठीक है, ये भी इंडियन और पाकिस्तानी आटे, तो आटा तुम्हें मिल जाएगा चक्की का। और अभी ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पिलर लगा के ब्लॉक किया, और ना मैं तुम्हें दिखाता ठीक है। इसके अलावा तुम्हें ये मिल जाएगा तुम्हारे शान के, और डिफरेंट जो है वो अचार तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें साथ में मिलेगा देसी घी भी दोस्तों। अगर तुम फ्रेशको में हो तो तुम देसी घी भी ले सकते हो, और अभी 29.99 का देसी घी है, थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर भाई इस तरह की चीज़ तुम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें मिलेगा तकरीबन 1.5 किलो का देसी घी
29.99 का। सिमिलरली चावल यहाँ लगे हुए हैं, चावल में भी तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड मिल जाएगा। तो नॉर्मली दोस्तों मैंने देखा है फ्रेशको के अंदर, वो है ये इंडियन बासमती राइस, ये अच्छे होते हैं इंडियन गेट के नाम से। प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी और रेगुलर क्वालिटी मिलेगी। प्रीमियम क्वालिटी तकरीबन जो है वो 40.99 जो कि है $15 की, और रेगुलर क्वालिटी तुम्हें मिलेगी 30.99। अभी नॉम जो है प्रीमियम पे सेल लगी हुई दोस्तों, और ये तुम्हें 40.99 की जगह $14 में मिल जाएगा, मतलब $1 का ऑफ मिल जाएगा। हाँ भाई, ये तो था फ्रेशको का थोड़ा सा ओवरव्यू। मैंने कहा तुम्हें कोशिश करी कि 2023 में कवर करूँ। अगर तुम बहुत सारे डिटेल में देखना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो 2022 से, तो मैंने 2022 में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है फ्रेशको में, उसका लिंक मैं तुम्हें जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो तुम ज़रूर देख सकते हो। वो बहुत ही लंबी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल की वीडियो थी, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो ओवरऑल कैसी लगी और तुम कनाडा और हम पे आगे क्या क्या देखना चाहते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Goodbye.